नमस्कार, मैं हूं दुबांजलि मोइत। पूरी दुनिया में कोरोना का कहर जारी और अब तक पूरी दुनिया में लगभग 1,37,00,000 से ज्यादा लोग संक्रमित और लगभग 5,87,559 लोगों की मौत हो चुकी। इसी बीच दुनिया भर के वैज्ञानिक कोरोना को हराने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन कोई सफलता नहीं मिल पा रही। इसी बीच एक अच्छी खबर आई। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और फार्मास्यूटिकल्स कंपनी एस्ट्राजेनेका द्वारा तैयार कोरोना वैक्सीन, जिसका परीक्षण चल रहा है, उसका नतीजा आज आ सकता है। कोरोना में सबसे अधिक कारगर मानी जा रही वैक्सीन का मनुष्यों पर तीसरे चरण का परीक्षण चल रहा है। वैक्सीन को तैयार करने वालों को अभी पहले चरण का परिणाम बताना है कि ये सुरक्षित है या नहीं और क्या इससे वायरस को मात दी जा सकती। वैज्ञानिकों ने इसी माह कहा था कि उसके असर को देख उन्हें बेहतर की उम्मीद है और जुलाई के अंत तक पहले चरण से जुड़ी जानकारी को साझा कर दिया जाएगा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कहा कि टीम आंकड़ों के प्रकाशन के लिए साइंटिफिक जर्नल से अनुमति के इंतजार में है। मॉडर्ना इंक ने भी दावा किया है कि पहले चरण में 45 लोगों पर mRNA-1273 वैक्सीन के ट्रायल में अच्छा संकेत मिला। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में कंपनी का दावा है कि परीक्षण में शामिल जिन लोगों को वैक्सीन दी गई, उनमें ठीक हो चुके मरीजों में बनने वाली एंटीबॉडीज से अधिक एंटीबॉडीज बनी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीज के निदेशक डॉक्टर एंथनी फॉसी का कहना है कि परिणाम बेहतर है और उम्मीद है कि कामयाबी मिलेगी, वैक्सीन से वायरस को मात दी जा सकती। तो आप समझ सकते हैं कि अमेरिका और फिर ब्रिटेन, दो जगह से दो दो खुशखबरी आने वाली। देखना होगा कि कौन पहले खुशखबरी देता है।